हॉलीवुड की कई फिल्मों में टाइम ट्रेवल को बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाया जाता है। इन्हें देखने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हकीकत में भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? क्या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल के लिए हम टाइम मशीन बना सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट लंबे समय से वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों को भी रोमांचित करता आया है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आकर ये चादर नीचे मुड़ती है, जिसके चलते टाइमलाइन में बदलाव देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल करने के कई तरीकों को खोजा है, जिनका इस्तेमाल करके हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। सो एनहेबिट फेथ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। वर्म होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली एबनॉर्मलिटी है। आसान शब्दों में कहें तो वर्म होल स्पेस के दो हिस्सों के बीच की एक सुरंग होती है, जो दो अलग अलग जगह को एक साथ जोड़ती है। इसके अंदर सफर करके कई लाखों लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ समय में ही किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है टाइम ट्रेवल का एक आसान तरीका है, लेकिन दोस्तों ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि वर्म होल हमारी दुनिया से कई लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और वहां तक पहुंचने में ही हमें लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो वर्म होल से टाइम ट्रेवल तो किया जा सकता है, लेकिन वो इतनी दूरी पर होने की वजह से हमारा वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह की कॉस्मिक ट्यूब होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी मौजूद होती है। इसके अंदर के पदार्थ काफी ज्यादा डेंस होते हैं, इसी वजह से कॉस्मिक स्ट्रिंग टाइम और स्पेस की चादर को आसानी से मोड़ देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक होते हैं। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये स्पेस में फैले टाइम और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा छेद कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के होराइजन के पास समय काफी ज्यादा धीमा हो जाता है, जहां पर टाइम और फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। अगर हम ऐसी कोई स्पेसशिप बना लें जो ब्लैक होल के होराइजन का चक्कर लगाकर वापस आ सके, तो एक सेंस में स्पेसशिप में सफर करने वाला व्यक्ति टाइम ट्रेवल कर सकेगा, लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर हम ऐसी स्पेसशिप बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो ब्लैक होल के होराइजन तक जा सकें तो हमें ब्लैक होल के पास पहुंचने में ही हजारों लाखों साल लग जाएंगे। मशहूर वैज्ञानिक फ्रैंक टिपलर ने इस सिद्धांत को सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम सूरज को 10 गुना ज्यादा वजन के किसी पदार्थ को अरबों खरबों बार लपेटकर एक लंबी व डेंस सिलेंडर में बदलकर उसे काफी तेजी से घुमाएं, तो इसके जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सकेंगे। इस सिद्धांत के मुताबिक सिलेंडर का साइज असीमित या कहें तो इनफाइनाइट होना जरूरी है। थ्योरेटिकल तौर पर तो ये भले ही ठीक हो, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज ही नहीं बना सकते जिसका साइज अनंत हो। हाँ, अगर इन फ्यूचर हम ऐसी कोई चीज बनाने में सफल होते हैं तो शायद हम टाइम ट्रेवल कर सकेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत की माने तो अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो लाइट की स्पीड से सफर करने में सक्षम हो, तो इसके जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि टाइम ट्रेवल का ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल लेवल पर ही सही लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पर ऐसा करना इम्पॉसिबल है। भौतिक नियमों की माने तो लाइट की स्पीड से वही चीज सफर कर सकती है जिसके अंदर मास नहीं होता। वहीं जिन चीजों के अंदर मास होता है तो वे लाइट की स्पीड से कभी भी सफर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास टाइम ट्रेवल करने के अभी सिर्फ सिद्धांत ही मौजूद हैं। ऐसी कोई प्रैक्टिकल चीज मौजूद नहीं है जो हमें टाइम ट्रेवल करवा सके। लंबे समय से वैज्ञानिक समय के आयाम के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन फ्यूचर हो भी सकता है कि हम कोई ऐसी चीज बना लें जो हमें टाइम ट्रेवल करवा सके। खैर दोस्तों, आप टाइम ट्रेवल के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।